और मेरे थिएटर कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे वेज मलाई टोस्ट की रेसिपी। वैसे कोलकाता में मलाई टोस्ट बहुत फेमस है। मैंने उससे हल्की सी इंस्पिरेशन लेके उसमें सब्जियां डाली है और बनाया है घर में वेज मलाई टोस्ट। ये नीचे से बहुत क्रिस्पी होता है और ऊपर से है ना मलाई की वजह से बहुत ज़्यादा नरम रहता है और बहुत सॉफ्ट हो जाता है। आप देख सकते हो यमी लग रहा है कि नहीं। बेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों, ये सिर्फ 5 मिनट में बन जाता है। तो रेसिपी शुरू करें क्या? रेसिपी शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बोल ले लेंगे और इसमें हम लोग सब्जियां डाल देंगे। मैंने यहाँ पर घसकर गाजर लिए है, हरी मिर्च लिए है, प्याज लिया है और हरा धनिया भी लिया है। इन सारी सब्जियों को मैं ये बोल में डाल देता हूँ। आपको जो सब्ज़ी अच्छी लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, बस उसको महीन काट लीजिएगा। अब इसमें टेस्ट लाने के लिए हम लोग इसमें नमक डाल देंगे और उसी के साथ में मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर भी डाल रहा हूँ। जो लाल मिर्च का फ्लेवर है ना बहुत कम हो जाएगा दोस्तों, तो चिंता मत करिए। अब हम लोग आते हैं मेन इंग्रेडिएंट के पास, जो कि है मलाई। मेरे घर में हर रोज़ जब दूध ठंडा होता है ना, पूरा ठंडा, उसके बाद हम लोग उसकी मलाई निकाल कर ऐसे पतीले में रख लेते हैं। तो ये 15 दिन का स्टॉक है। आज की जो फ्रेश मलाई है वो मैं इसमें डाल देता हूँ और फिर उसको हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप पुरानी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने यहाँ पर है ना लगभग 2-2.5 चम्मच के आसपास मलाई डाली थी और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। बहुत क्रीमी लग रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि सब्ज़ी ज़्यादा दिख रही है और मलाई का लुक नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो ब्रेड है ना वो भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगी। तो मैं इसमें 1 चम्मच और मलाई डालकर मिक्स कर देता हूँ। अभी ये जो इतनी सब्ज़ी है ना आप बोल में भर कर जितनी देख रहे हो, इससे आप 5 मलाई टोस्ट बना पाओगे। तो लीजिए दोस्तों, सारा मेहनत का काम हो चुका है, ऑलमोस्ट हम लोग की सब्ज़ियाँ तैयार हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं ब्रेड के पास। मैंने यहाँ पर सैंडविच ब्रेड इस्तेमाल करी है क्योंकि इसका जो टोस्ट होता है ना वो ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सैंडविच ब्रेड है ना इसमें 1 चम्मच अपना ये मलाई वाला मिक्सचर ले लेता हूँ, वेज मलाई वाला मिक्सचर। इसको हम लोग डालकर अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। आप इसको स्प्रेड करने के लिए चम्मच के पीछे का हिस्सा या फिर बटर नाइफ इस्तेमाल करिएगा, उससे अच्छी तरह स्प्रेड हो जाएगा। आप देख सकते हो कैसे मैंने ये सारी सब्जियों को स्प्रेड किया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही मैं बाकी के ब्रेड भी तैयार कर लूँगा। जो मलाई हम लोग ने डाली है ना दोस्तों सब्जी के साथ, वो ना पिघल कर ब्रेड के अंदर चली जाएगी और बटर वाला काम करेगी, तो ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इसमें। सारे जो ब्रेड है वो तैयार हो चुके हैं अब ये मलाई टोस्ट बनने के लिए। तो मैंने यहाँ पर है ना तवा गर्म किया है। आप नॉनस्टिक या फिर आयरन का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैंने नया नया तवा लाया तो उसको टेस्ट कर रहा हूँ। आज मैंने इसको हाई फ्लेम पर गर्म किया है। अब मैं इसमें अपनी ब्रेड रख दूँगा, लेकिन जो आपने जहाँ पर मलाई की फिलिंग लगाई थी ना उसको नीचे की तरफ सेकिएगा शुरू में हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, जो भी मलाई है ना वो पिघल जाएगी और फिर धीरे धीरे वो ब्रेड के अंदर चली जाएगी। आप देख सकते हो कैसे मैं इसको प्रेस कर 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 सेक रहा हूँ। 1 मिनट बाद हम लोग इसको पलट देंगे और फिर से इसको प्रेस कर कर सेकना स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगी दोस्तों, अभी मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। हम लोग इसके गोल्डन होने के बाद इसको पलट देंगे। बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी है दोस्तों। आप देख सकते हो हम लोग की जो ब्रेड है वो ऊपर से तो गोल्डन हो ही चुकी थी, नीचे से भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, बहुत बढ़िया दिख रही है ये। अब हम लोग इसको सर्व करने की तैयारी करते हैं। हम लोग की मलाई टोस्ट बिल्कुल रेडी है दोस्तों। मलाई जो है वो ब्रेड के अंदर जा चुकी है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आया है उसका। और इसी के साथ में जो ब्रेड है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी है, मतलब ऊपर की तरफ से सॉफ्ट नीचे की तरफ से क्रिस्पी। बहुत ही ईजी और यूनिक रेसिपी है, आप भी ट्राई करिएगा इसको। मैंने इसको अभी कट कर दिया है और फिर मैं इसको सर्व कर रहा हूँ अपनी हरी चटनी के साथ। जैसे मैंने कहा था, आप देख सकते हो हम लोग की जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और नीचे से क्रिस्पी है, तो टेक्सचर बहुत बढ़िया आया। और सबसे अच्छी बात क्या है, मलाई का फ्लेवर तो है ही इसमें, मतलब क्रीमी फ्लेवर तो है ही, साथ में हर सब्ज़ी का निखर कर फ्लेवर आया है, तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो चाहे ये ब्रेकफास्ट में बनाइए या फिर लंच में बनाइए, ज़रूर बनाइएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वेज मलाई टोस्ट की रेसिपी। आप भी ट्राई करिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक बटन दबा दीजिएगा और नीचे कमेंट कर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और आपके पास अगर कोई फीडबैक है मेरे लिए तो वो भी कॉमेंट करिएगा, मैं और आगे की वीडियोज़ अच्छे बनाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ जल्दी एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।